गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपनी ऑनलाइन क्लास में आपसे फिर से आज से मिल रहे हैं। आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट्स, इसके अगले रूल्स पढ़ेंगे। तो इसके हमने फोर रूल्स पढ़ लिए थे। पहले रूल में हमने सीखा था क्या कि अगर कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। उसके बाद में हमने देखे कि आई वी यू एट्सेट्रा के बारे में हमने देखा। और उस अब जो है हम अपने नेक्स्ट रूल में देखते हैं, इफ़ टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट हैज़ ईच और एवरी बिफोर इट, द वर्ब विल बी सिंगुलर। देखो, इफ़ टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक साथ जोड़ते हैं, किससे? एंड से जोड़े जाते हैं। एंड द फर्स्ट सब्जेक्ट हैज़, और पहला सब्जेक्ट जो है वो अपने साथ क्या रखे, ईच या फिर एवरी वर्ड रखे, तो उसके लिए हम सिंगुलर यूज़ करते हैं। जैसे देखो, ईच ऑफ दोज गर्ल्स इज हार्ड वर्किंग। ईच ऑफ दोज गर्ल्स, इन सभी लड़कियों में से प्रत्येक जो है वो क्या करती है, हार्ड वर्किंग करती है। देखो ईच गर्ल्स, ठीक है, ईच ईच वर्ड आते ही आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर नाउन लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी इन द पार्टी। एवरी फिर मैन है, वुमेन है और चाइल्ड है, सारे सिंगुलर नाउन्स हैं, लेकिन एवरी होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। एवरी वन ऑफ दोज हैज़ रिसीव द रिवॉर्ड। एवरी वन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। ईच पेन एंड ईच पेंसिल, अगर दोनों के साथ हम पहले, दोनों के पहले ईच लगा दें तो भी क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज़ लेबोरियस। ईच सबके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आप ये समझ लो कि ईच और एवरी वर्ड आते ही हमें वर्ब क्या करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। नेक्स्ट देखो, इफ़ टू और मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर, द वर्ब विल बी सिंगुलर। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें हम किससे ज्वाइन करते हैं, और मीन्स होता है या, नॉर मीन्स नहीं तो, आइदर और या, आइदर और जो है दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, या तो ये या फिर ये। नाइदर नॉन, ना ही ये ना ही वो। ओके, देखो, आइदर ही और हिज फ्रेंड हैज़ गॉन टू आगरा, या तो वह या फिर उसका दोस्त हैज़ गॉन टू आगरा। आइदर भी आ गया और भी आ गया, इसीलिए हमने इसके पहले क्या किया, सिंगुलर वर्ब यूज़ की। नाइदर यू, ना ही तुम, ना ही तुम्हारा, ना ही मैं, नॉर आई वॉज प्रेजेंट इन हिज मीटिंग, इस मीटिंग में प्रस्तुत थे। तो नाइदर यू नॉर आई, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे वर्ब भी क्या लगाई, वॉज, सिंगुलर वर्ब यूज की। नेक्स्ट रूल नंबर 7 देखिए, इफ वन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर और नॉर, द प्लूरल सब्जेक्ट इज केप्ट नियर द वर्ब एंड द वर्ब विल बी प्लूरल। अगर आइदर और नाइदर नॉर और या नॉर लगता है और वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट जो है देखो प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब प्लूरल लगाएंगे। देखो, नाइदर द मैनेजर नॉर द क्लर्क्स वर इन द ऑफिस। क्लर्क्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमने क्या लगाई, यहाँ पे प्लूरल वर्ब। आइदर द टीचर और हिज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, तो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब।
तो देखो बच्चों, आज के रूल क्या थे? पहला रूल था हमारा कि अगर दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जो है एंड से जुड़ते हैं और उनके साथ ईच या एवरी लगाओ, पहले या दूसरे किसी के भी साथ में, तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि आइदर और नाइदर नॉर के द्वारा जो भी वर्ब्स, वो जो भी सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं, सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें जो है हम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और अगर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम उसके साथ क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब को यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, तो आज मैं आपको तीन ही रूल करवाऊँगी और इन रूल्स को जो आप ढंग से अच्छे से पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।